दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, 1923 की, 1923 की। ब्रिटेन में चीफ जस्टिस थे लॉर्ड हिवर्ट। लॉर्ड हिवर्ट ने एक बार कहा, और जो उन्होंने एक बार कहा वो इस दुनिया में अब तक लाखों बार कहा जा चुका है, हो सकता है करोड़ों बार भी कहा जा चुका हो। और उन्होंने ये कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट आल्सो सीम टू बी डन। ये जो उनका वाक्य है ये पूरी दुनिया के न्याय जगत का, न्याय तंत्र का एक मुहावरा बन गया, सच्चाई का मुहावरा, असलियत का मुहावरा। और सचमुच जो न्याय क्या होना चाहिए इसको परिभाषित करती हुई ये दो पंक्तियां। हम इसलिए आज इसको फिर से याद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम माननीय न्यायमूर्तियों, माननीय न्यायपालिका, उसके मकसद, उसके मंसूबे पर कभी शक नहीं करते, लेकिन जो घटित होता है उसकी व्याख्या करना, उसकी उसको समझना हर नागरिक का कर्तव्य है, लोकतंत्र का ये तकाजा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब की जो पीठ है, उस बेंच से जो फैसला हुआ कमेटी बनाने का, 4 सदस्यों की कमेटी, उस कमेटी के चारों लोग अमान्य हैं, किसान आंदोलनकारियों को, नागरिक समाज को, और देश के उन तमाम लोगों को भी जो ये समझते हैं कि जस्टिस होती हुई नजर नहीं आई है, वह प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी, कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण नहीं दिखाई दे रही है। कैसे ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई भी न्याय का कोई भी मंच एक ऐसी कमेटी का गठन कर दे जिसके चारों सदस्य, और चार में कमोबेश 3 तो अवश्य, जो 3 कानून जिस पर सारा यह विवाद है उसके पक्ष में हो, और न केवल पक्ष में हो, उसमें जो 2 सदस्य हैं वो भारत के तमाम टेलीविजन चैनलों पर, तमाम मंचों पर, मीडिया के भी कई जगहों पर वो लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं कि किसान मिसगाइडेड हैं, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, ये 3 कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, इससे कृषि को विकास होगा वगैरह वगैरह, और किसान इसके बिल्कुल उलट कहते रहे हैं। तो अगर इस कमेटी में 3 लोग जिनका ये मानना है कि 3ों कृषि कानून जो सरकार ने लाए हैं वो विकास के लिए हैं, वो किसानों की बेहतरी के लिए हैं, वो भारत में कृषि के विस्तार को अंजाम देंगे, तो फिर कैसे ये संभव है कि वो निगोशिएट भी ठीक से कर पाएंगे, या इस कमेटी की रिपोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी वो सारे लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करेगी। जो 4थे इसके सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान, वो भी मानते हैं कि किसान किसानों का जो ये मसला है उस पर उनका जो स्टैंड है ब्रॉडली सरकार के साथ है, वो सुधारों के पक्ष में है, लेकिन किसान आंदोलनकारी सुधारों को विनाश कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सुधार के बिल नहीं है, ये विनाश के हैं। वो इस बात से भी संतुष्ट हैं कि MSP पर जो एश्योरेंस है सरकार का वो काफी है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि 4 सदस्य अगर इस कमेटी के ब्रॉडली कृषि कानूनों के न केवल पक्षधर बल्कि पैरोकार भी हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो एक बेहतर पंच बन पाएंगे। पंच परमेश्वर क्या है? ये रिपोर्ट जो देनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, दरअसल वो पंच की तरह है, जो हमारे गांव में, देहात में, समाज में एक परंपरा रही है, परंपरागत 10 दिन के अंदर उनको मिलना है सभी लोगों से, सभी पक्षों से, और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। क्या उनके अपने जो विचार हैं, जो टेलीविजन चैनलों पर, जैसे अशोक गुलाटी साहब,
प्रमोद जोशी साहब, प्रमोद जोशी साहब फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखकर कह चुके हैं ये बातें। और दूसरे जो सज्जन है, तीसरे जो सज्जन है अनिल घनवत, ये शरद जोशी बहुत पुराने नेता किसानों के थे, बड़े किसानों के, और कृषि में पूंजीवादी विकास के पक्षधर थे, यानी खेती बाड़ी में पूंजीवाद लाने के पक्षधर थे। उनसे मेरी भी स्वयं कई बार बात होती रहती थी जिन दिनों वो यहां पर पार्लियामेंट में आए थे राज्यसभा में। तो शरद जोशी के संगठन के ये अध्यक्ष हैं, उसी संगठन के क्षेत्रकारी संगठन। तो ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इन लोगों की बैकग्राउंड नहीं मालूम थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर इन चार लोगों को कमेटी में रखा, एक ही तरह के विचार के लोगों को, तो क्या वाकई कोई, हम तमाम लोग जो समाज के लोग हैं, जो भी बात होती है तो एक रिसर्च होती है, पड़ताल होती है। ये एक अजीब बात है कि कैसे एक ही तरह के विचार के चार लोग एक कमेटी में आ गए, जिस कमेटी को पड़ताल करनी है, बैकग्राउंड तय बतानी है, जमीनी असलियत बतानी है माननीय न्यायाधीशों को, ये कैसे संभव हुआ? तो कहीं ना कहीं ये जो सवालात उठ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, इस फैसले पर, मुझे लगता है कि उसको गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। और न्याय जो है वह सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, बल्कि वो दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। और ये क्यों जरूरी है दोस्तों, इस बारे में नोबेल प्राइज विनर और इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता प्रोफेसर अमर्त सेन ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आइडिया ऑफ जस्टिस उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, 2009 में एक किताब आई थी। आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर सेन कहते हैं कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो क्यों होती हुई दिखनी भी चाहिए, क्यों न्याय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर वाकई न्याय होता है, अगर फैसले, चाहे वो फैसले सरकार करे, चाहे वो कोई महत्वपूर्ण मंच करे न्याय का, कोई भी करे, वो इसलिए बेहतर लोकतंत्र साबित करेगा, समाज को एक अच्छी दिशा देगा, क्योंकि लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये न्याय हुआ है। अगर वो कन्विंसिंग है, लॉजिक है, फैक्ट्स हैं, आधार हैं, तो उस फैसले का सम्मान होता है समाज। हो सकता है कि उस फैसले से असहमत लोग हों कुछ लोग, लेकिन उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आती है। अमर सेन इस बात को बहुत शिद्दत से रखते हैं कि न केवल ये न्याय के तंत्र के लिए, यानी जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर होता है, बल्कि उस तरह के फैसलों को लागू करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लागू करने की प्रक्रिया में समाज के अंदर कोई तनाव नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, कोई मनमुटाव नहीं होता है, और एक बेहतर ट्रांसपेरेंट ढंग से एक आपस की हिस्सेदारी और एक तरह से भागीदारी से वो फैसले लागू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बात है विश्व के एक बड़े विद्वान की, जो एक ये एक व्याख्या है क्यों न्याय में इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि उस पर एकेडमिक ही नहीं बल्कि एक व्यवहारिक विमर्श की भी जरूरत है अपने देश में। और दोस्तों दूसरी बात जो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में कही जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत जो कमेटी बनी है उसको उसमें जाने से ही इनकार कर दिया है। तो पहला जो एक 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 जो नतीजा सामने आया है इस तरह के न्याय का, वो बहुत दुखदाई है। वो मैं निजी तौर पे एक भारत के नागरिक की के तौर पे माननीय कोर्ट के माननीय किसी भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या इवन लोअर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के आदेशों को अगर कोई भी समाज, कोई भी समूह जो है कोऑपरेट नहीं करता है तो ये दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। लेकिन ये क्यों, ये जो क्यों है ये बहुत बड़ा क्यों है, और इसे अगर आप लॉर्ड हिवर्ट और प्रोफेसर अमर सेन की बातों की रोशनी में देखें तो मैं समझता हूं कि इसे समझना, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है।
तो दोस्तों अब 26 जनवरी आ रही है और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली का उसमें सत्ता पक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए, जो बातें कही गई, खासकर उनके जो न्यायिक प्रतिनिधि थे कोर्ट में, अब इन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी और उपद्रवी आतंकवादी उग्रवादी तमाम तरह की शक्तियों के षड्यंत्र के जैसे ऐसा लगता है कि वो स्प्रिंग बोर्ड बन गए हैं और ऐसा लगता है कि उनको इस्तेमाल कोई कर रहा है या ये भी कि उसमें इनफिल्ट्रेट कर गए हैं लोग, जो शुरू में कहा गया था उनको पहले भी पाकिस्तानी खालिस्तानी चाइनीज न जाने किनकी किनका किनका एजेंट कह दिया गया था। लेकिन जब व्यापक आंदोलन की गोलबंदी पूरे देश में दिखाई पड़ने लगी, उनके समर्थन में कर्नाटक बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश हर जगह जब इस तरह के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे तो थोड़ी सी ये चीजें रुक गई। अब जब से उन्होंने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को वो निकलेंगे, वो ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के फिर परेड करेंगे, तब से अब इस बार कोर्ट में भी ये बात आ गई। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदे एक याचिका भी दायर कर दी गई है, क्यों कि वो कुछ ना कर सके। दोस्तों हमारा ये मानना है, बहुत विनम्र ढंग से अपनी बात मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से आवाम के किसी भी हिस्से को अपनी बात रखने से, अपने एक्शन को अंजाम देने से जबरन कोई रोकता है, जबरन अगर रोकने की कोशिश होती है, तो अंततः किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ताकत के बल पर आवाम के किसी हिस्से को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उसकी चेतना को, उसके अंदर की भावना को रौंदा नहीं जा सकता है। सबसे बेहतर तरीका है कि लोगों से संवाद कायम किया जाए। यह हार जीत का प्रश्न नहीं है, ये नहीं प्रश्न है कि सरकार हार जाएगी अगर उनकी कुछ बातें मान ले, और किसानों के लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे, एकोमोडेट कर लेंगे चीजों को तो वो कमजोर हो जाएंगे या क्रांतिकारी वो नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों हमारा बस यही कहना है कि 26 जनवरी से पहले सरकार को अपने रुख में, अपने रवैये में परिवर्तन करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं जाना चाहिए कि हम किसान आंदोलन की इन मांगों को स्वीकार करने को तैयार हैं और कमेटी के पुनर्गठन की अगर कोई बात है तो उस पर भी तैयार हैं। अगर स्वयं सरकार ये बात कह देती है तो मैं समझता हूं कि बहुत खुशनुमा एक माहौल बनेगा और इससे किसान आंदोलन और सरकार के बीच में संवाद की, एक वास्तविक संवाद की स्थिति बनेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।